सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस फूड विद महज़बीन में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ, बहुत ही फेमस रेसिपी है बटर चिकन। बटर चिकन खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आइए, बटर चिकन बनाने के लिए हमें जिन सामानों की ज़रूरत होगी वो ये है। चिकन 1 kg, टोमेटो प्यूरी, मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटो को लिया और उसका प्यूरी बनाया है। मक्खन 100 ग्राम, नमक हसबे ज़ायका, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट 4 टेबल स्पून ही फुल, 2 मीडियम प्याज मैंने लिया है और उसे ग्राइंड कर लिया है। मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर हम 1.5 टीस्पून लेंगे, कश्मीरी पाउडर को हम 1.5 टीस्पून लेंगे। कश्मीरी पाउडर डालने से, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। जीरा पाउडर हम लेंगे 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हम लेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हम लेंगे 3 टेबल स्पून। फूड कलर, हरी धनिया जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, टोमेटो सॉस हम लेंगे 3 टेबल स्पून। ये क्रीम, मेरे घर की बनी हुई क्रीम है, ये हम 1 बाउल फुल लेंगे। दही 1 बाउल, और तड़के के लिए जो हमें मसाला चाहिए, करी पत्ते 8 से 10, जीरा 1 टीस्पून, 4 हरी इलायची। तो आइए हम शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे। हमने दही को ऐड कर लिया है, अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर हमने ऐड कर लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को हमने पहले ही फ्लेम पे रख दिया था और कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 3 टेबल स्पून लगभग इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम मक्खन, अगर पहले डायरेक्टली मक्खन पहले अगर डालेंगे तो मक्खन जल जाएगा, इसलिए ऑयल डालने के बाद फिर हम जो 100 ग्राम हमने मक्खन लिया था इसे हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा मक्खन जलेगा नहीं। मक्खन मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें तड़के के लिए जो हमने हरी इलायची, जीरा और करी पत्ता लिया था इसे डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड की थी। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टोमेटो की प्यूरी जो हमने ऐड की थी वो ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे भुनेंगे। इस तरीके से भुन चुके हैं, अब हम इसमें
जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट लिया था उसे ऐड कर देंगे, और जो हमने मसाले लिए थे सारे वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरीके से भुन जाए। मसाले जैसे ही भुन जाएंगे इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हमने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। मसालों को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे लो टू मीडियम के दौरान कुक होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। आप देख सकते हैं चिकन हमारा हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। और हम इसमें क्रीम, हमने जो क्रीम ली थी उसमें से हम हाफ क्रीम ऐड करेंगे। हाफ क्रीम को हम बाद में ऐड करेंगे जब ये हमारा चिकन बटर चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर, हमने मिक्स कर लिया है क्रीम को, और अब हम इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक नमक हम हसबे जायका, आपको जितना पसंद हो कम या ज्यादा उस हिसाब से नमक को ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम कुक होने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बन के तैयार है। ऑयल ऊपर सरफेस पे आ चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, जो हमने हाफ क्रीम बचा के रखी हुई थी अब हम उसे ऐड करेंगे। हमने क्रीम को ऐड कर लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और हरी धनिया ये ऐड कर देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर चिकन बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही डिश आउट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसमें शोरबा भी लगा सकते हैं। आप ग्रेवी की थिकनेस जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से शोरबा लगा सकते हैं। ये देखिए बटर चिकन तैयार है, मैंने इसमें शोरबा लगाया है। आप चाहें तो आप भी शोरबा लगा सकते हैं, आपको जितनी थिकनेस रखनी है उस हिसाब से। अब हम इसे डिश आउट, देखिए हमने बटर चिकन को डिश आउट कर लिया है और इसे हरी धनिए और हरी मिर्ची से गार्निश किया है। आप भी इसे बनाइए, और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।